Today we will studying maths of standard 7, chapter number 11, perimeter and area. Perimeter and area आप previous classes में study कर चुके हैं, फिर भी एक बार revise करते हैं. Perimeter. Perimeter जो हम जब हम boundaries की बात करते हैं, तो उसको perimeter find किया जाता है. And then inner side, full inner side की का find करना होता है, तब area find करते हैं. Okay. जैसे perimeter of rectangle. रेक्टेंगल शेप है तो उसके लिए पेरिमीटर का फॉर्मूला हो जाता है 2 इंटू एल प्लस बी. और जब एरिया फाइंड करना होता है तो एरिया हो जाता है एल एंड एल मल्टीप्लाई बाय बी, इट मींस लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. ओके, इसी टाइप से स्क्वायर. स्क्वायर का जब हम स्क्वायर फाइंड करते हैं तब यहाँ पे फोर साइड्स होती है और फोर साइड्स इक्वल होती है. ओके, तो यहाँ पर जब पेरीमीटर होता है इट मीन्स 4a, क्योंकि ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4a एंड एरिया इज इक्वल टू एल इंटू एल, एल इंटू एल क्योंकि ब्रेथ एंड लेंथ उसकी इक्वल होती है. अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर हम इसी से रिलेटेड सम्स करेंगे 11.1 में. आई होप आप लोगों को याद आ गया होगा पेरिमीटर एंड एरिया. प्रीवियस क्लास में जो हमने किया था बस वही है, थोड़ा सा आगे इसमें इंक्लूडेड. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 1 इज द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लेंथ आर 500 मीटर एंड 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया. तो फर्स्ट यहाँ पे रेक्टेंगुलर है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी, इट मीन्स एल है 500 मल्टीप्लाई बाय 300. 5 3 15 एंड 4 जीरोस इंक्लूड कर देंगे आप स्क्वायर मीटर. ओके, कभी भी हम जब एरिया फाइंड करते हैं तो मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर होता है, सो यहाँ पर स्क्वायर मीटर आंसर लिखते हैं. तो ये हुआ 1,50,000 रुपीज. देन सेकेंड क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ द लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट रुपीज 10,000. ओके, तो सपोज द कॉस्ट ऑफ, ये सेकेंड नंबर है, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर लैंड इज इक्वल टू रुपीज 10,000. सो यहां पर कितना है 1 लाख. सो द कॉस्ट ऑफ 1,50,000 स्क्वायर मीटर, और मीटर स्क्वायर दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10,000. सो 15 1 15 एंड पीछे हमको जीरोस इंक्लूड करने हैं. ओके, तो 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 ये रुपीज हो गए. अगर इसको हमने डिजिट में किया तो 1,50,000. ओके, तो यहाँ पर ये इसका आंसर हुआ. देन क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क हूज पेरिमीटर इज 320 मीटर. ओके, अब यहाँ पर स्क्वायर पार्क का पेरिमीटर हमको पता है बट हमको एरिया फाइंड करना है. ओके, तो यहाँ होगा जो हमको दिया हुआ है, जो गिवन है उससे हम स्टार्ट करेंगे. पेरिमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरिमीटर ऑफ स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होगा 4l. अंडरस्टैंड? देन पेरिमीटर इज गिवन 320 इज इक्वल टू 4l. सो 320 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है सो यहाँ जाकर ये डिविजन हो जाएगा एंड l 4 8 32 एंड 0. सो l इज इक्वल टू 80 मीटर. ओके, एल आया हमारे पास. देन हमको फाइंड क्या करना है एरिया. सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय एल. ओके, स्क्
स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या है, एल मल्टीप्लाई बाय एल। सो एल हमको पता नहीं था, एल हमने यहां से फाइंड किया है, एल इज 80 मल्टीप्लाई बाय 80, 8 8 64 एंड 2 जीरोस, ये हुआ स्क्वायर मीटर। ओके, दिस इज आवर आंसर। सेम इसी कैप्चर क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इज 22 मीटर, आल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। ओके, यहां पर हमको पेरीमीटर गिवन था, एरिया हमने फाइंड किया, यहां पर एरिया गिवन है और हमको पेरीमीटर फाइंड करना है। ओके, डिफरेंस क्या है, यहां पर स्क्वायर है और वहां पर रेक्टेंगुलर है। ओके, तो फर्स्ट जो हमको गिवन है उससे हम स्टार्ट करेंगे, सो हमको एरिया गिवन है। ओके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू एल इंटू बी, एल इंटू बी इट मीन्स यहां पर लेंथ है 22 एंड ब्रेथ फाइंड करनी है हमको, और एरिया कितना है 440। ओके, देन यहां पर 22 मल्टीप्लीकेशन में है तो यहां आके ये डिवीजन में हो जाएगा एंड बी 22 वन 22 22 टू 42 एंड 0, सो बी इज इक्वल टू 20 मीटर। ओके, अब हमको फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, एल है 22 प्लस बी हमने फाइंड किया 20, सो 2 इंटू 22 प्लस 42, 2 टू 4 एंड 2 4 8, पेरीमीटर 84 मीटर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4 इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शेप इज 100 सेंटीमीटर, इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर फाइंड इट्स ब्रेथ एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया। अब यहां पर हमको ये चीज करनी है, एरिया फाइंड है, यहां पर पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर इज गिवन, देन लेंथ इज गिवन, ब्रेथ हमको फाइंड करनी है एंड एरिया फाइंड करना है। ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट कहां से करेंगे हम, पेरीमीटर से, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। ओके, एल एल इज गिवन 35 एंड बी हमको फाइंड करना है, सो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 35 मल्टीप्लाई बाय 2 इट मीन 70 एंड 2 बी, पेरीमीटर इज गिवन 100 सेंटीमीटर। ओके, देन हमने क्या करना है, यहां पर ये 70 आएगा तो माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 2b, तो 30 2b इट मीन्स यहां पर b इज इक्वल टू 30/2, सो b इज इक्वल टू 15 मीटर सेंटीमीटर। ओके, 15 सेंटीमीटर, देन ऑल्सो फाइंड द एरिया, ऑल्सो फाइंड द एरिया, सो यहां पर अब हम एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ शेप इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय बी, ये रेक्टेंगुलर है सो एल मल्टीप्लाई बाय बी, एल इज एल 35 एंड बी हमने फाइंड किया है 15। ओके, मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 5 75 एंड 7 15 3 45 45 प्लस 7 52 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके,
तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक स्टार्ट किया है। अब यहाँ पर इसके आगे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको ट्राई करना है। सभी में ब्रेथ, इस टाइप से ब्रेथ फाइंड करनी है या लेंथ फाइंड करने को दिया है तो लेंथ फाइंड करनी है, इजीली आप कर सकोगे। एरिया दिया है पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर दिया है तो एरिया फाइंड करना है, इसी टाइप से आपको आगे के सम सॉल्व करने हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं एक्सरसाइज 11.1 फिनिश कर रही हूँ।